पर मैं खुद नहीं मालूम कौन सा एक्सेल खुश लगे है। दोस्तों आज हमारे पास दो बहुत ही अमेजिंग जुड़वा फोन है दोस्तों, एक हमारा अमेरिका से आया है, एक आया है चाइना से, बट दोनों के बीच का अंतर मैं तो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए हम लोग बुलाएंगे एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान को। इंटर्न इधर आओ। यस। ये दो बॉक्सेस हैं। ठीक है। बताओ भाई असली डिब्बा कौन है? दोनों सेम ही है यार, इसमें असली नकली क्या है? एक असली एक नकली है। अच्छा, ये असली है भाई? ये आधा असली है, इसके नीचे का असली है, ऊपर का नकली है। ओ ये गड़बड़ है बाबा। एक्चुअल में क्लोन वाला ये वाला है और ये है अपना रियल आईफोन। बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों। और अगर आप अनबॉक्सिंग करोगे, क्लोन वाले के अंदर आपको लाइटनिंग केबल तो मिलेगी बट यूएसबी टाइप ए वाला है, और असली वाले में टाइप सी एंड लाइटनिंग वाला केबल मिल जाएगा। चलो फिर करते हैं खुलासा, आपको दोनों फोन दिखा देते हैं। ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स और ये भी है आईफोन 14 प्रो मैक्स। दोनों के बीच का कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में असली कौन सा आप बताओ, राइट वाला या लेफ्ट वाला? नॉर्मली रियल वाला आईफोन और फेक वाला आईफोन आपको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ जाएगा। कलर डिफरेंस काफी ज्यादा है, ये आपको रोज गोल्ड जैसा फील आता है, और 14 प्रो मैक्स का जो गोल्ड कलर है वो थोड़ा सा लाइट गोल्ड है। इसको साइड देखो तो ग्रे सा दिखता है, सामने देखो तो हल्का गोल्ड है, इसके अंदर एकदम लाल लाल सा फील आता है। इवन की वेट की बात करते हैं, अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स 240 ग्राम का होता है और ये मेरे मन के तरह से बता सकता हूँ मैं 210 ग्राम का होगा भाई, हल्का है। साइज कंपेयर करते हैं, रियल वाला आईफोन थोड़ा सा बड़ा भी है, यहाँ पे चौड़ा भी है। लेके घूमो तो लोग बोलेंगे कि भाई तो फेक लग रहा है। अगर आप 14 प्रो मैक्स का केस इसके साथ लगा लो तब तो एप्पल वाले भी नहीं पहचान पाएंगे, ऐसा लगेगा आपके साथ स्कैम कर दे किसी ने। बोलना आप क्या, अरे भाई मस्त असली फोन है, बट यहाँ पे चाइनीज चाचू ने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, फोन उतने अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है केस में, आपको थोड़ा बहुत नीचे में कागज डालना पड़ेगा। वैसे हमारे पास मल्टीपल आईफोन 14 प्रो मैक्स के केसेस हैं, एक बार फेक चाचू को देखते लगा के, इसके अंदर तो फेल, ये वाले के अंदर ये थोड़ा रबड़ाइज वाला है भाई, इसमें मस्त फिट हो चुका है, देखो इसमें नहीं गिर रहा। ये वाला केस भी उतना अच्छा फिट नहीं हो पाया, ठीक ठाक फिट हुआ है। लास्ट ये भी वही सेम, उतना अच्छा फिट नहीं हो पाया। वैसे ये तीनों केसेस टोटम के एक्चुअल में केसेस, हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी भाई, इनका प्रिसीजन सच में काफी तगड़ा है, इसीलिए बिल्कुल फिट नहीं हुआ, बट ये वाला हल्का फुल्का फिट हो गया था। ये एप्पल के स्पेशल दर्जी है, डेफिनेटली प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट लेकिन मेरे को काफी इंप्रेस किया इसने अभी। और अपने असली वाले में अगर लगाए, खतरनाक फिटिंग, बंद करो खोलो। और अगर आपको सामने से डिस्प्ले दिखाया जाए, इसके अंदर ये डायनामिक आइलैंड डाल दिया इन्होंने भाई, जब आप चार्ज में लगाते हो इसके अंदर एनिमेशन आता है भाई, और एक काफी ज्यादा तगड़ा लगा मुझे। सिमिलर एनिमेशन आईफोन में भी आता है, आईफोन का थोड़ा स्मूथ है, हैप्टिक्स आते हैं, लेकिन भाई फिर भी 10,000 रुपए के अंदर काफी तगड़ा काम किया उन्होंने। इसके अंदर 2000 निट्स की ब्राइटनेस, अगर मैंने फुल कर दिया कैमरा की भाई फट जाती है, बोलता है भाई कैसे रिकॉर्ड करूं, लेकिन इसके अंदर जो -2000 निट्स की ब्राइटनेस मिली है भाई, उसमें कैमरा बोलता है कि ठीक है संभाल लेंगे। मजाक साइड में डिस्प्ले भी इसका अच्छा है यार, और ये एक आईपीएस डिस्प्ले पैनल है, काफी ब्राइट भी लगता है देखने में। और साइड वाइड से अगर बात किया जाए, स्टील डाल रखा है भाई, ये स्टील और ये रियल आईफोन का स्टील, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे साइड बाय साइड, लेजिट। और इसको अगर ठोकूं मैं भाई, बहुत हार्ड है, लिटरली चोट लग रही है, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल आईफोन को चोट का लेवल सिमिलर है दोनों में। और अगर हाथ पे पकड़ के देखते हैं भाई, कौन ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। विनय भाई इधर आओ, भाई आंख बंद करो, हाथ आगे करो, एप्पल दे दो मेरे को, मैं पहचान लूंगा कौन सा वाला है। कहां गया एप्पल, ऊपर टपी आ गया, हाथ पे चलाओ। हां ठीक है, ऐसे स्लाइड करूंगा ना। भाई एप्पल मांगा था, क्या दे रहे हो तुम? भाई केला आपने उसको कुछ खाया नहीं ना भाई, इसीलिए नहीं। अभी हम लोग सीरियस है दोस्तों, आग मन करो भाई, फील करो ज्यादा प्रीमियम कौन लग रहा है। वैसे हल्का सा मुझे हल्का लग रहा है ये वाला, ये बहुत ठीक है, और ये थोड़ा तो सॉलिड लग रहा है, मतलब कुछ, हाँ मतलब पकड़ रखा है ऐसे हाथ में, कुछ मतलब भारी लग रहा है भाई ने, कुछ पकड़ रखा है भारी से। लेकिन प्रीमियम दोनों में ज्यादा कौन है? ये वाला, आपने सही जवाब दिया, लेकिन ये कितना कम प्रीमियम लग रहा था। देखो इसका जो वेट है ना, ये मतलब हाथ में पकड़ने समझ आ रहा था, ये कुछ प्रीमियम से पकड़ रखी है मैंने। लेकिन लुक वाइज तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार 10,000 के हिसाब से एप्पल की कॉपी मतलब मिलना, वो भी इस लेवल पे जिसमें डायनेमिक आपको आयरन मिल रहा है, तो काफी अच्छा काम किया हुआ है। फील में मेरे को सही लगा इसके हिसाब से। रुक जाओ और थोड़ा खेला एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट जो इस फोन को बनाता है, दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन, गेमिंग के लिए बवाल है ये वाला फोन। और अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, बैंगन, मैंने इसको खोला, अरे फटाक से एनिमेशन आता है इसका, देखो असली एनिमेशन ऐसा होता है, समझे? फील लिया, फील दोबारा फील कराते रहिए। बैंगन और एप्पल, अगर कोई एप्लीकेशन खोलते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, कैमरा खोलता हूँ या फिर कुछ स्लाइड करता हूँ कैमरा पे, बस वो करना भूल जाता है। मन है इसका अच्छा परफॉर्मेंस देने का, बट वो पैदाइशी डिफेक्ट है। इसको आप एक्चुअल में कटा हुआ एप्पल कह सकते हो, जिसका कटा है और जो काटने के लिए रेडी भी है,
बताते हैं कैसे। पहले दोनों से एक एक फोटो लेते हैं। अरे ये बोलता है बे, दुआ बोलो। बैंगन कैमरा कंपैरिजन देखना है दोस्तों। I'm not interested यार। क्या करोगे देख के? चलो एक बार कंपैरिजन कर ही लेते हैं। दो दिल में पलट गया। वाह। अगर आप जूम करोगे दोनों ही फोटो को, क्या गजब का डिटेल मेंटेन करता है ये। आईफोन 14 प्रो मैक्स में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, मतलब कि ना कलर बैलेंस है ना क्वालिटी आ रहा है। नहीं तू समझा नहीं, मुझको ये सैंपल बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन भाई इसके अंदर क्या तगड़ी क्वालिटी मेंटेन की है। मेरा बुरा है वो एयरपॉड्स मिल गया यहाँ पे। इसके अंदर आपको 69 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही डीप टेक्नोलॉजी यूज करके इन डेप्थ क्वालिटी निकाल सकते हो आप। चल झूठा। इसके अंदर वैसे तो 4 कैमरा दिया हुआ है, ये जो दोनों कैमरा है टोटली निपोटिज्म की तरह है दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? फिजिकली प्रेजेंट है बट टैलेंट की थोड़ी सी कमी है दोस्तों। दिखाते हैं कैसे। इसको छुपाया, कैमरा काम करना बंद। अगर इन दोनों को छुपा दे, कैमरा काम कर रहा है, समझ सकते हो भाई। वैसे जो चाइनीज चार्जू का आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसके ऊपर हम लोग ने कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर इसके बारे में बहुत कुछ जांच पड़ताल की थी हम लोग ने। इस वाली वीडियो को बनाने का बहुत ही सिंपल सा मतलब था कि रियल आईफोन 14 प्रो मैक्स और क्लोन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसका जो कैमरा होता है दिख जाता है, ये कैमरा बस स्थिर रहते हैं दोस्तों, मतलब रुके हुए। लेकिन 14 प्रो मैक्स के कैमरा डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, साइड से या डिजाइन से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, और जो कलर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप उनको यूज करोगे पहले ही 2 सेकंड में दिख जाएगा क्या गंदा चीज है। बट बहुत सारे लोग इसको स्टिल खरीदते हैं। रीजन उसका ये होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर आपको स्मॉल बिजनेस चलाते हो, आईफोन से रिलेटेड केसेस बेचते हो, तो सबके फोटोग्राफी में काम आ जाता है, उसके लिए आप ले सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग वीडियो बनाने में बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मन था कि भाई ऐसे फोन को थोड़ा रोस्ट वोस्ट किया जाए, दिल को बहुत सुकून मिला। थोड़ा सा लेम जोक था पता है मुझे, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी चलता है यार। और अगर आपको इसको खरीदना है डेफिनेटली भाई मत खरीदो यार, प्लीज मत खरीदो। क्या कर लोगे खरीद के? मत करो, मत करो। टिकटॉकर्स वाली हरकतें मत करो। फेक आईफोन लेने से अच्छा है कि मेहनत करो, रियल आईफोन लो, और थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उसको सब बूस्ट करो। इतना मोटिवेशन दे ही दिया, चैनल सब्सक्राइब कर देना और फिर वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।